ये है रोल्स रॉयस की डॉन, ये इनकी टू डोर स्पोर्ट्स कार है और इसमें जो इंजन है वो है तकरीबन 6600 cc 12 सिलेंडर इंजन। और ये है रोल्स रॉयस की रेथ, दोनों एक ही गाड़ी हैं, सिर्फ छत का फ़र्क है, दोनों में एक ही इंजन है। मैं इसका मैं वीडियो बना चुका हूँ रेथ की, तो मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ इसकी डॉन की। ये इसका इंटीरियर है फुल सकते हैं। अच्छा, ये सारा लेदर हैंड स्टिच्ड है, ये सारा जो वुड है ये भी हैंड पॉलिश्ड है, ये जो स्टिचिंग है ये सब हाथ से होती है, स्टेनिंग व्हील भी पूरा हाथ से स्टिच हुआ जाता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं सब, हर जगह पूरे फ्रेम में हर जगह लेदर यूज़ हुआ हुआ है। अच्छा, ये लोग रोल्स रॉयस जो है जो मटेरियल्स यूज़ करते हैं जैसे वुड है, लेदर है, पेंट है, वो सब ए ग्रेड क्वालिटी होता है, वो सब हाथ से किया जाता है। जो पेंट है वो हाथ से अप्लाई किया जाता है, प्लस मशीन से भी, अगर फिर इसको माइक्रोस्कोप से चेक किया जाता है कि कोई इंफ्रफेक्शन ना हो, इसके हाथ से पॉलिशिंग की जाती है पेंट की, कि कोई भी ज़रा सा भी नुक्स ना हो कहीं पे भी पेंट में, कहीं से भी पेंट ज़्यादा ना हो, कहीं भी पेंट कम ना हो। यानी इतनी बारीकी में जाते हैं लोग कि शायद ही कोई गाड़ी वाले जाते हो, और नहीं जाते होते सिवाय बेंटले जाती हो। तो ये गाड़ी बनी है वैसे ओपन रोड के ड्राइविंग के लिए, और ये काफ़ी बड़ी है वैसे, है तो ये टू डोर मगर साइज़ में ये काफ़ी बड़ी है, तकरीबन ये अकॉर्ड या कैमरी से तो बड़ी है आराम से, एस क्लास इतनी बड़ी है ये, यानी ये एस क्लास है यहाँ पे, तो ये हाँ तकरीबन एक ही साइज़ है, शायद ये एस क्लास थोड़ी सी लंबी हो क्योंकि ये भी डॉन सबसे छोटा मॉडल है रोल्स रॉयस का, इससे एक बड़ा मॉडल और आता है वो फैंटम ड्रॉप हेड के नाम से। अच्छा, एक चीज़ और इसकी खासियत है वो इसकी दरवाज़ा है, इसे हैंडल आप देखने कहाँ पर लगा हुआ है इधर, और तो ये दरवाज़ा जो है ना आगे की तरफ खुलते हैं इनके, प्लस इसमें जो दरवाज़ा है उसके अंदर अम्ब्रेला भी एक लगी होती है, तो वो हैंडल उसका आप पकड़ के खींच के निकाल सकते हैं उसको। अच्छा, वुड भी उन्होंने जो है ना ख़ास तौर पर ऐसी लगाई हुई होती है कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड पर जो पैटर्न है वो राइट हैंड साइड पर भी हो, इसी तरह ये अंदर जो दरवाजे हैं उन्हें भी ऐसे ही होता है, जो पैटर्न जिस तरह से लेफ्ट हैंड साइड पे होता है उसी तरह वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट किया था राइट हैंड साइड पे, सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। इतनी बारीकियों में ये लोग रोज रोज जाते हैं, तो इसीलिए ये गाड़ियाँ बहुत महंगी होती हैं। तो और ये सर ये बनाते हैं ऑर्डर लेके, क्योंकि लोग अपनी मर्जी से बनवाते हैं कि कौन से टाइप का वुड इस्तेमाल करना है, कौन से टाइप का लेदर यूज़ करना है, क्या वो अपने कोई तस्वीर स्टिच करवाना चाहते हैं, कुछ लोग अपनी तस्वीर लगवाते हैं यहाँ पे एड्रेस पे, या कभी कंपनी अपनी मालिक है तो किसी कंपनी का कोई लोगो या सिग्नेचर अपने लगवाते हैं, तो ये मुख्तलिफ डिज़ाइंस लोग करवाते हैं अंदर। प्लस मैंने एक गाड़ी और भी देखी है, बल्कि एक दो गाड़ियाँ देखी हैं जिसमें एक पट्टी होती है पतली सी इंटीरियर में और ये दरवाज़ों में भी, इसमें पर्ल लगा होता है, तो इसलिए ये सब गाड़ियाँ इतनी महंगी होती हैं। सारे मेटल ये सब जो है ना इसके अंदर जो आप पार्ट्स नजर आ रहे हैं ये भी हाथ से लगे होते हैं और ये हाथ से पॉलिश किए जाते हैं, तो ये हाथ काम की वैसे ही महंगी है। अच्छा, बहुत से लोग जो है उनको पता नहीं होता कि रोल्स रॉयस क्यों महंगी है, पहले सोचते थे कि शायद इसका जहाज़ का इंजन है, मगर ऐसा नहीं है, इसके अंदर एक नॉर्मल गाड़ी का इंजन है, तो इसलिए मैंने सोचा एक दफ़ा इसकी वीडियो भी बना दूँ कि बहुत कम नज़र आती है डॉन जी। सब रोल्स रॉयस हैं जहाँ तक भी आपको नज़र आ रही है, मैं VIP मोटर्स में हूँ और मैंने यहाँ पे और भी वीडियोस बनाई हैं बहुत सारी, बुगाटी की, कोनिसेग, यहाँ नहीं कोनिसेग दूसरी थी, और एस्टन मार्टिन, फेरारी, लंबोर्गिनी, BMW सबकी मैंने वीडियोस बनाई हैं, तो वो भी मेरे चैनल पर दिखते रहेगा।